ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वो प्रकृतिस्थ हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वो जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं
और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणु और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वो भी उनके प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करते देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वो आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभावों को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसके लिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है,
परंतु फिर कपटी रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवेग ने समान अत्यंत जलने लगा।